खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं कि डोमेन जो है वो डोमेन नेम क्या है। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट अभी ज़रा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि डोमेन नेम क्या है। अगर हम गूगल पे टाइप करें ना, व्हाट इज़ डोमेन नेम, तो ये कुछ जो है फर्स्ट पैराग्राफ आता है। उसमें जो मैंने उसकी ट्रांसलेशन की है कि एक तरह का ये खुदकार जो है सिस्टम है जिसको आप अपनी जो है एक्सेस और डेटा प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी ईमेल सर्विसेज के लिए जो है, वेबसाइट्स बनाने के लिए जो है, जो एक नेम दरकार होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, तो ये विकिपीडिया ने इसकी जो है डेफिनेशन की है, तो उसके मुताबिक अभी तक के जो अदादो शुमार आए हैं 2017 के, तो उसके जो है 330.6 मिलियन जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अभी तकरीबन इसको 5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो ये तो अभी मे बी 500 जो है मिलियन जो है उसको क्रॉस कर चुका होगा ये नंबर। अच्छा, तो फर्दर हम देख लेते हैं कि जो है इसमें क्या क्या है, जो इसकी सब टाइप्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, ये मैंने एक आर्टिकल देखा है इंडीड का, तो उसमें जो है इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से है जो है कैटेगराइज किया हुआ है, टॉप लेवल डोमेन को, उसके बाद कंट्री लेवल डोमेन और न्यू LTDs। ठीक है, तो ये टॉप लेवल डोमेन क्या होती हैं? एक तो ये सबसे जो नंबर वन प्रायोरिटी पे आती है वो है कमर्शियल डोमेन .com में। किसी भी आप वेबसाइट को देखती हैं, जिस तरह मेरी वेबसाइट है ना, sapia.com, ठीक है, तो और भी इस तरह की जो .com होती है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है, कॉमनली यूज जो है ना, ये मोस्ट कॉमन जो है LTD है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम है। अच्छा जी, उसके बाद .org, आपने कुछ वेबसाइटें देखी हैं जिसके आगे लिखा होता है जिस तरह के pakistan.org, dailypakistan.org, इस तरह की वो जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए वो .org यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, .government.gov, ये गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के इदारे उनके लिए वो यूज़ करती हैं। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स आपने अपनी कंट्री की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जो .gov लिखा होता है, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जाहिर सी बात है स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए जो है इस तरह की डोमेन्स एक्सटेंशन के साथ यूज़ होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्कूल .edu, ठीक है, या जो भी होगा .net, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसको आमतौर पर जो ब्लॉगर हजरात हैं वो भी इसको यूज़ कर लेते हैं .net को, .com के बाद जो इसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, .mil, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, .int, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें कि आप अपनी जो कंट्री है स्पेसिफिकली उसके लिए भी आप डोमेन नेम ले सकती हैं। ठीक है, जिस तरह किसी भी डोमेन नेम के साथ कभी आपने देखा हो .us लिखा है, तो इस मीन के ये वेबसाइट जो है ये डोमेन है US कंट्री की है। ठीक है, तो इन कंट्रीज की जो डोमेन्स होता है, समटाइम इनके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती हैं परचेज करने के लिए, किसी भी आप रजिस्ट्रार डोमेन रजिस्ट्रार से परचेज करेंगे तो। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज की लिस्ट थी कि हर कंट्री की जो है ना कुछ है वो दिया होता है, जिस कंट्री में आप बिलोंग करती हैं उसके लिए जो भी आप अपने उस टाइम उस कंट्री की लोकेशन पे गूगल सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो उस तरह की जो है वेबसाइट्स आ जाती हैं आपके पास। फर्ज किया अगर आप फ्रांस में बैठ के ठीक है .fr डोमेन सर्च करना चाहें तो वो कुछ रजिस्ट्रार डोमेन रजिस्ट्रार मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी जो वर्ल्ड वाइड होती हैं वो भी इस तरह की जो एक्सटेंशन है उनको देते हैं, बट उसके लिए समटाइम वो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर होती है। अब इसमें मज़ीद जो है न्यू LTDs भी आ रही हैं, ठीक है, जिसमें .co काफ़ी फेमस है, और क्लब भी है .club, अर्थ और बैंक, ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड जो है LTDs हैं। ठीक है, टॉप लेवल जो डोमेन्स हैं वो आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो है पाकिस्तान की जो है डोमेन नेम .pk, उसके लिए वो आप कहाँ से ले सकती हैं अगर आपने डोमेन परचेज करनी हो। ठीक है, वो डोमेन .pk पे आएंगे तो यहाँ से भी कर सकती हैं, और pk.nic.pk,
ये वेबसाइट भी है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और डोमेन के लिए जो आइडियाज़ है आपने कोई लेना है अपने बिजनेस को लेकर, फर्स्ट किया मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ब्लॉग या कोई डोमेन, कोई वेबसाइट लेनी है, तो बस आइडियाज़ के लिए कि वो डोमेन आया ना कि अवेलेबल है या, तो इस तरह मैं ये लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम है, इसको आप गूगल करेंगे तो ये वेबसाइट मिल जाएगी, लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम, तो इसमें आपको मिल जाती है। ये जस्ट आपको ये अपना कीवर्ड टाइप करें यहाँ पे, तो ये आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ये बहुत सारे आइडियाज़ दे देता है कि कौन कौन सी डोमेन जो है अभी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें वो जो है जिस तरह ये टेक्नोलॉजी नोब नोबल, तो ये डोमेन अभी अवेलेबल है, और यह भी बताएगा कि अगर ट्विटर और इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी वो वेब अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह डोमेन सर्च का आप आइडियाज ले सकते हैं। बाकी आप अपनी जो वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम भी डॉट कॉम डॉट नेट या इस तरह की उसके साथ यूज़ करके भी कर सकते हैं। बाकी इसमें जो पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार है वो कौन कौन से, एक तो है namecheap.com, namecheap.com, यहाँ पे आना है आपने, डोमेन का जो नेम है वो सर्च करना है, ठीक है। तो जो भी आप अपना नेम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने पुट करना है डॉट कॉम के साथ या डॉट ओ आर जी, वट एवर जो भी है, तो ये आपको यहाँ पे कर देगा कि आया कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि डोमेन का जो नेम है जो भी आप लेना चाह रहे हो, अगर तो वो अवेलेबल आ गई, एक दफ़ा आपने चेक कर लिया अवेलेबल है, ठीक है, उसको आपने बेस्ट तो यही है कि आप उस टाइम ही सर्च करें कि जब आपके पास वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अवेलेबल हो, आप उस टाइम परचेज करना चाहें, डैम श्योर हो उसमें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम टाइम ये होता है कि जिस तरह नेम चीप भी हो गया, ये तो इतना ज़्यादा नहीं करते, ये गो डैडी है, गो डैडी डॉट कॉम ये वेबसाइट, इस पे सम टाइम होता है कि कोई बहुत ही अच्छा डोमेन नेम आपने सर्च किया ना, तो आपने दो तीन बार 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 सर्च किया ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ के अवेलेबल है या नहीं है, तो ये क्या करता है कि इतना ये स्कैम की एक तरह का कह सकते हैं कि वो उसको ग्रैब कर लेते हैं, अपने पास होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको वो प्रीमियम में सेल करते हैं। तो ये बड़ी एक ना चीज़ आपने केयर करनी है, ख्याल रखना है। इस तरह होस्टिंगर भी है, यहाँ से भी आप डोमेन जो है वो ले सकते हैं। बाकी डोमेन जो से लेने का पर्पस है ना वो ये है, एक तो आप जो मोस्टली जो होस्टिंग्स होती है ना वो 1 ईयर होस्टिंग के साथ आपको डोमेन भी फ्री देती हैं, अगर तो आपने सिंगल एक ही डोमेन चाहिए, एक ही वेबसाइट चाहिए, तो फिर वो आप वो प्लान कर लें, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आई डोंट सजेस्ट कि आप होस्टिंग के साथ डोमेन उसी रजिस्ट्रार पे लें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आपने होस्टिंग चेंज करनी पड़ जाती है, तो डोमेन जो है फिर वो आपको ट्रांसफ़र बड़ी मुश्किल से करते हैं ना किसी और में, तो इस तरह ये है कि जो डोमेन आप हाई तो हाईली रिकमेंड के नेम चीप पे लें, ठीक है, बाकी होस्टिंग आप कोई भी फ्री जो है जो चीप होस्टिंग है, जिस तरह होस्टिंगर हो गया या और भी बहुत सारी हैं, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह कुछ अच्छी होस्टिंग हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस सिंपल है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट जैसे करेंगे तो ये आपको चेकआउट पे ले जाएगा, ठीक है। चेकआउट पे यहाँ पे आपने अगर तो आप अकाउंट लॉगिन है तो ठीक है, अदरवाइज ये आप इसको करेंगे कंफर्म ऑर्डर करेंगे तो ये चला जाएगा आपको, उसमें आपका अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है, या यहाँ पे आप कह देगा कि आप लॉगिन करें, सही है, या अकाउंट क्रिएट कर लें इस तरह। तो इस तरह आपने अकाउंट वगैरह क्रिएट करके इसको परचेज कर लेना है अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज़ करके, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में तो वैसे ही हो जाता है, डेबिट कार्ड के लिए आपको जो है सेशन ऑनलाइन सेशन एक्टिव करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया, किस तरह आप जो है डोमेन परचेज कर सकते हैं और जो है जिस तरह की आपके पास ऑप्शंस हैं और टाइप्स वगैरह के सारे मैंने गाइड कर दिया है, तो आई होप आपको इसका डोमेन के बारे में काफ़ी हद तक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मोर इसमें तकरीबन कोई 400 जो प्लस जो है एक्सटेंशन अवेलेबल है डोमेन नेम में, सही है। तो
वो बहुत, ये देखिए डॉट किड्स, डॉट ये न्यू न्यू आती रहती हैं टॉप लेवल जो डोमेन है ना, तो आपने बस अपनी जो है काम की वो देखनी होती है जो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, स्टे ट्यून, थैंक यू।